सो गाइस, तो बहुत सारे भाई का ना मैं कल वीडियो एक अपलोड किया था, जिस वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट किए हैं कि सुभाष भाई आप हमको फोटो एडिटिंग करना सिखाओ। ठीक है, मतलब मान के चलिए ऐसा फोटो हो चाहे कैसा भी फोटो हो, मतलब हमको फोटो एडिटिंग सिखाओ आप अपने जैसा। गाइस, तो अगर आपको भी कैसे सीखना है ना ऐसा फोटो एडिटिंग करना, सीवी फोटो बनाना इस तरीके से, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को कहीं पर भी स्किप थोड़ा सा भी नहीं करते ना, तो ऐसा एडिटिंग मैं आपको बहुत ही कम टाइम में सिखा दूंगा। और बात कर ली इसके वाले फोटो को, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि देख सकते कितना सारा पिंपल है ना, फोटो ये काफी ज्यादा खराब है। लेकिन गाइस यहाँ पर बात कर ले, हम लोग यहाँ से बात कर ले, यहाँ से बैकग्राउंड की, तो ये भी काफी शानदार के बनाए हैं। फेस की बात कर ले तो ये भी काफी शानदार का बनाए, कपड़े का बात कर ले तो ये भी काफी शानदार का बना है। ठीक है, तो अगर आपको भी सीखना है सुभाष भाई के जैसा फोटो एडिटिंग करना दो कलर में, यहाँ पे एक और भी कलर है और यहाँ पे एक और भी कलर है, तो अगर आप लोग ना एक बार मेरे वीडियो को सुन चले कि लास्ट तक देख लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस कि ऐसा एडिटिंग आपको मैं बहुत कम टाइम में सिखा दूंगा। और इससे पहले मेरे चैनल पर, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का जो लाइक, वीडियो को शुरू में करते स्टार्ट, तो बस आपको करने का है मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। बस आप लोग इसमें गाइस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करके देखते हैं ना, तो मैं आपको एडिटर बना दूंगा एंड आपको फोटो एडिटिंग करना सिखा दूंगा। तो बस आपको करना क्या होगा गाइस, फोटो को नोट कर देना होगा आप लोगों को शेयर कहाँ पे, तो सिंपली आइएगा आप लोग स्नैपशीट ऐप के अंदर, तो फोटो को लेकर आप लोग आइएगा एंड गाइस आपको करना क्या होगा, आपको मेन स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। टूल्स पर क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस आपको ना यहाँ पे एक मिलेगा टूल इमेज का ऑप्शन, तो इस पर सिंपली आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और ना आपको क्या करना होगा, ब्राइटनेस को कर देना होगा 51। ठीक है, सैचुरेशन पे जाइएगा, सैचुरेशन को कर लीजिएगा यहाँ से 50। ठीक है, एम्बिएंस के लिए एम्बिएंस को भी कर लीजिएगा इस तरीके से 51, इसको आइएगा हाईलाइटेड पे, इसको कर लीजिएगा यहाँ से 100 माइनस, शैडो पे आइएगा शैडो को भी कर लीजिएगा इस तरीके से 50। ठीक है, नीचे आइएगा और इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, मान करिए ना मैं 38 कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं सारा सेटिंग यहाँ पे। अगर आप लोगों को एडिटिंग नहीं समझ में आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, अपने फोटो में आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा फोटो को डन। ठीक है, तो काफ़ी शानदार का लुक आया है एंड ब्राइटनेस आया मेरे फोटो के ऊपर। ठीक है, तो अब आप लोगों को करने क्या होगा, सिंपली फोटो को नोट कर देना होगा शेयर कहाँ पे, तो लाइटरूम ऐप के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाइस आपको आसान तरीके में सिखाएंगे। ठीक है, तो आइएगा सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को लेकर। ठीक है, तो आपका फोटो जैसे ओपन होगा ना, तो यहाँ पे आपको एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग गाइस इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा फोटो अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो आपका भाई ना आप लोगों को आसान एडिटिंग सिखाने के लिए एक प्रीसेट बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे कैसे फोटो के ऊपर अपने आप मतलब आप अप्लाई कीजिएगा मैं आपको सिखा देता हूँ, तो इस प्रीसेट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस ना आपको कर देना होगा ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ना गाइस यहाँ पे एक मिलेगा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, तो इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा और इसको एंड इसको करके और फोटो को कर लीजिएगा सही और बैक पे क्लिक कर दीजिएगा। ये प्रीसेट का तो मतलब सेटिंग हो गया, अब अपने फोटो पे कैसे अप्लाई करना है ये सीखिए। इसका सेटिंग बहुत आसान है, बस आपको करना होगा थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग एंड इसके बाद आपको कर देना होगा यहाँ से पेस्ट सेटिंग वन क्लिक के अंदर। फोटो को देखिएगा कैसा फोटो बनता है, देख लीजिए वन क्लिक के अंदर कितना धांसू फोटो बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा शानदार का फोटो बना है और HD बना है, देख लीजिए। अपने मोबाइल से ना आज आपको सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा गाइस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखते रहिए। ठीक है, तो अब फोटो को ना आप लोग कर लीजिएगा शेयर। ठीक है, तो मैं फोटो को जस्ट ना गाइस कर लेता हूँ, मतलब सेव, सबसे पहले तो सेव कर लेंगे आप फोटो को। ठीक है, सो गाइस, तो मेरा फोटो हो चुका है, सेव और ओके कर लीजिएगा आप लोग। तो ऊपर से आप लोग सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव कॉपी टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हैं एंड इसके नीचे जो है ना इसको इस पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बार हम लोग सेव किए थे और सेकेंड बार हम लोग यहाँ से मतलब ये शेयर किए हैं, तो इसके टू कैप के अंदर आ जाइएगा इस फोटो को लेकर। ऐसा ना आसान तरीके से आज एडिटिंग सिखाएंगे, तो अगर आपको बिल्कुल भी एडिटिंग का नॉलेज ना भी होगा ना तो भी सीख जाइएगा इस। ठीक है, तो बस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए। तो सिंपली आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक और गाइस आपको करना क्या होगा, आना होगा इस वाले ऑप्शन के ऊपर, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर, इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जिस भी फोटो को आप लोग मतलब सेव करेंगे ना यहीं पे शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा, तो इसको फोटो को आप लोग ले लीजिएगा। सबसे फर्स्ट तो गाइस अब आपको सिखा देते हैं बहुत आसान तरीके में ना, आपको बताते हैं फेस को स्मूथ करना। ठीक है, फेस को स्मूथ करना आपको सिखा देते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारा पिंपल इन दन है, लेकिन आपको एक लेवल में स्मूथ करके सिखाएंगे
करेंगे और आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो सिंपली आप लोग आइएगा यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर और आपको करना क्या होगा, नीचे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। और ना गाइस आपको इस वाले ब्रश को एक बार मतलब कर देना होगा सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा होगा स्मॉज, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, घबराइएगा मत, ठीक है। एडिटिंग में घबराना बिल्कुल भी है ही नहीं, ठीक है। आपका भाई सब कुछ आपको एक एक स्टेप में सिखाएगा और आपको यहाँ पे करना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक, ठीक है। और गाइस ना आपको यहाँ पे मिलेगा एक मतलब फॉलो का ऑप्शन, तो इसको 5 और स्ट्रेन को 5%, इस दोनों को सेम कर लीजिएगा। और जो साइज है ना ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपका फोटो मतलब जितना भी ज़्यादा आपका फोटो खोजे उतना आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको 91 करके और कट कर देता हूँ। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं ना कि सुबह सही फेस स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। आज आप लोगों को ऐसा आपको करना क्या होगा ना, ऐसे ऐसे अपने फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना है और फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइज को और भी प्लस करके और इसको जल्द मतलब जस्ट नाउ कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, घबराइएगा मत, ऐसे ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, जैसे आपका भाई करे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करेंगे ना तो आपका फोटो जन सेकेंड में आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि सीवी इफेक्ट एंड सीवी जैसा फोटो को कैसे आप लोग बनाइएगा। तो जस्ट नाउ आपको ऐसे मतलब फेस को स्मूथ आप लोग जस्ट नाउ कर लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि जो है ना इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बस आपको करना होगा। सो मेरे भाई लोग, तो आप लोग ना मेरे फोटो को गाइस देख सकते हैं कि मैं अपने फेस को कर लिया हूँ स्मूथ मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे भाई आपको करना क्या होगा ना, मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बार देखिए सिखा देंगे, आपको आना होगा लिप्स वाले ऊपर के, मतलब लिप्स अगर मेरे जैसा आपका ज़्यादा फीका होगा तो क्या कीजिएगा, सिंपली ना मेरे भाई आपको कर देना होगा यहाँ पे लेयर पे क्लिक। और मेरे भाई ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग समझिए, प्लस पे ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे आपका एक लेयर क्रिएट होगा, इस पर क्लिक करके आपको नोरल पे आना होगा। और मेरे भाई आपको करना क्या होगा, सॉफ्ट लाइट यहाँ पे क्लिक है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, कट कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा एंड आप लोग ब्रश पीजिएगा और यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को नीचे आ जाना होगा और इसके बाद आपको इस वाले ब्रश को एक बार कर देना होगा सेलेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको ऊपर देखिए सेटिंग वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऑप्सिटी को 100 साइज को मैं कर लेता हूँ 28-35, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा 28-29-30-31-32 अपने हिसाब से, और कॉट कर लीजिएगा और कलर्स पेगा अपने मर्जी से। यहाँ पे आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते, तो मैं सिंपली रेड करके और मैं कट कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई लोग। क्या है ना कि अगर आप लोग ना बहुत सारे भाई आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं और आपको जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को आसानी तरीके से और धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप लोग इससे भी मुझे आसान सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी आसान तरीके से मतलब आसान मतलब लोए लोए मतलब आराम से बताऊँगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब आराम से बताएंगे, जितना आप लोग बोलिएगा उतना बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर सीखना होगा तो, अगर नहीं तो सीखना होगा तो कोई बात ही नहीं है। और देख लीजिए कितना काफ़ी शानदार का फोटो बन चुका है, और इतना फोटो बनने के बाद ना अब काफ़ी शानदार का ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे सीवी इफेक्ट आप लोग अप्लाई कैसे फोटो पे करेंगे। तो फोटो को सिंपली आप लोग कर लीजिएगा गाइस शेयर, ठीक है। आप लोगों को बताएंगे ना ऐसा मजा आने वाला है आज वीडियो में, आप लोग समझ के और खुश हो जाइएगा। सो गाइस, तो जैसे ना आपका फोटो शेयर होने के लिए रेडी होगा तो आप लोग ना यहाँ से फोटो मतलब नेट को थोड़ा सा ऑन कीजिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोटो रूम, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन थोड़ा सा नेट से काम करता है, जैसे 1 नंबर पे आपको मिल रहा होगा, तो इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। और ना गाइस आपका जितना जल्दी नेट चलेगा ना उतना जल्दी ये आपका फोटो को ब्लर करके दे देगा, नेट से होता है और बहुत आसान तरीके से होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लूँगा। सो गाइस, तो आपका भाई का फोटो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कट हुआ है, आप लोग घबराइएगा मत थोड़ा सा भी, मतलब मान के चलिए ना इतना भी नहीं घबराना है। और यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो गाइस, तो यहाँ पे ऐसे फोटो आप मतलब ओपन हो चुका है, तो घबराइएगा मत, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा नेट को मतलब प्रॉब्लम होता है तो इसलिए ये सब होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉब्लम नहीं होगा तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉब्लम शायद आप लोगों के एरिया में नहीं होगा, मैं गाइस आप लोग जानते हैं कि हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो शायद हमको नेट को प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिलेगा फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन, तो आपको एक
नंबर पे देख लीजिए, एक नंबर पे भी ब्लर का ऑप्शन मिल सकता है, दो नंबर पे मिल सकता है, तीन नंबर पे मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो तीन नंबर पे मिल जाएगा। तो ब्लर पे क्लिक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस आपको करने का होगा ना, बस आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना होगा बस यहाँ पे, और नीचे बैकग्राउंड पे, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद ब्लर को एक बार माइनस एंड एक बार प्लस करके, और आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। आसान तरीके से सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिए, ठीक है। और यहाँ से आपको ना इसको इतना करना होगा, मन के लिए 66 में प्लस करके और डन कर लेता हूँ। तो काफ़ी शानदार फोटो बना है, देख लीजिए यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड हुआ है। तो अब मोबाइल डाटा को ऑफ कर लेंगे, अब कोई काम नहीं है मोबाइल डाटा का, ठीक है। और फोटो को हम लोग कर लेंगे शेयर, कहाँ पे शेयर करेंगे, तो पी कार्ड ऐप के अंदर का। तो पी कार्ड ऐप के अंदर आप लोग आइएगा फोटो को लेकर, ठीक है, अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी शानदार आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक वाटर मार्क है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करने का होगा सिंपली ऐड फोटो पे आना होगा, और जिस पे फोटो को मतलब आप लोग लाइटरूम ऐप के अंदर से शेयर किए होंगे उस वाले फोटो को आप लोग ऐड करके, और इस तरीके से करके, और इसको अपने फोटो के हिसाब से जितना आपका फोटो होगा कल के, और यहाँ पे क्लिक करके और इसको इन्वाइट कर दीजिएगा, और ब्रश को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ऐसे ब्रश को आप लोग अप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, आसान तरीका है, ठीक है। अब यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। तो अब सीबी इफेक्ट बैकग्राउंड पे एंड कपड़े पे डालना है, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, ठीक है, आपको सब कुछ समझा देंगे एक एक स्टेप में। तो अब वीडियो को थोड़ा सा छोड़ के नहीं जाइएगा और मिस भी नहीं कीजिएगा। तो आपको आना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इस पर तो आप लोग क्लिक कर लेते हैं एंड गाइस आपको आ जाना होगा कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कलर का ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और ना गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर देख सकते हैं आप लोग, इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और ऊपर मैं इरेजर पे क्लिक कर दूंगा, इरेजर वाले ऑप्शन पे, और इनवाइट करेंगे। और केबल शॉर्ट शॉर्ट के ऊपर ना, शॉर्ट शॉर्ट के ऊपर आपको केबल मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आपको करना होगा, केबल शॉर्ट शॉर्ट के ऊपर आपको इस कलर्स को अप्लाई करना है। तो केबल मैं शॉर्ट शॉर्ट के ऊपर कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको आप लोग घड़े बात ऐसे ऐसे हाथ को अप्लाई करके और कर लेना है, ठीक है। तो शॉर्ट के ऊपर केबल आपको कर देना होगा। तो देख सकते हैं कि आप लोग, तो मैं अपने शॉर्ट के ऊपर पूरे तरीके से कलर को अप्लाई कर लें और कर लेंगे डन, ठीक है। तो इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा और ऐसे आपको देख लेना होगा कौन सा कलर आपको मतलब आपके कपड़े पे सूट कर रहा है, जो भी कलर आपको इस कपड़े पे सूट करे वो आप लोग रख सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मतलब यहाँ से मैं कर दूंगा हाई, मतलब वो सॉफ्ट लाइट, ठीक है, सॉफ्ट लाइट आपको करके, और ह्यू को अपने हिसाब से कलर को अपने एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से और डन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से आपको करने क्या होगा, फिर से इसी वाले इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, फिर से वही सेटिंग करना है कलर पे आने के बाद, और सिंपली इसी वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से इरेज करके, मतलब ऊपर इरेजर पे क्लिक करके, और आपको इनवाइट नहीं करना है, ठीक है, इसको इनवाइट नहीं कीजिएगा, बस इरेज कीजिएगा, ठीक है, अपने फेस के ऊपर से और कपड़े के ऊपर से, ठीक है। जैसे मेरा फेस है इस पे मैं इरेज कर लूँगा, नीचे कपड़ा है इस पे बस से इरेज कर लूँगा, क्योंकि कपड़े में भी रहेगा तो खराब ही करेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केवल बैकग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं केवल बैकग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर इस वाले कलर को रखा हूँ, ठीक है, और इसको भी कर लेंगे हम लोग यहाँ से सही, ठीक है। तो आपको अब इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको भी देख लीजिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिलेगा, तो ओवरली हम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे है ओवरली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके और ह्यू को अपने हिसाब से जैसे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा ह्यू को, ऐसा कलर, एक कलर बहुत शानदार लग रहा है दिखने में और काफ़ी ज़्यादा फोटो ऑप्शन भी लग रहा है। तो आप कर लेंगे हम लोग डन, ठीक है। तो अब आपको करने का होगा सिंपली आपको ऐड फोटो पे आना होगा और एक दो पिन ही ऐड करके सिखा देंगे, और फोटो मतलब लुक जिससे दिखने में फोटो काफ़ी शानदार का आपको लगेगा। तो मैं डाउनलोड पे आ जाऊंगा और यहाँ से ना मैं एक PNG को ऐड करूंगा, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। आपको सब कुछ का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देख लूंगा PNG कहाँ पे, घबराइएगा थोड़ा सा मत भी, ठीक है, देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे ए वाला PNG है तो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली ब्लेंड एंड स्किन कर देंगे और इसको ऐसे रख लेंगे कोने में, ठीक है, ऐसे करके मतलब रख लेंगे, और थोड़ा सा छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है। फिर से ऐड फोटो पे आइएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार ट्रिक है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो भी है, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी शानदार तरीके से सिखाएंगे भी। तो एक वोके इफेक्ट को ऐड करेंगे, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा वोके इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना है वीडियो में, ठीक है, आपको ना ऐसा ट्रिक, ऐसा सॉरी गाइस कहाँ पे है PNG, सो गाइस तो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, ठीक है, ऐसे मतलब आराम से,
और इसको इतना बड़ा करके अपने हिसाब से, ठीक है, और इसको कर लीजिएगा ब्लेंड एंड स्किन, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ इरेजर पर क्लिक करके और इस वाले ऑप्शन के ऊपर से आप लोग इरेज कर लीजिएगा, और यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज करके, और काफ़ी शानदार का फोटो दिखाई दे रहा है, और यहाँ से कर लेंगे डन। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार का फोटो बनाए, और एड फोटो पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे, और थोड़ा सा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और एक PNG ये लाइट वाला है ना, तो ये काफ़ी शानदार ये भी दिखेगा आपको फोटो के ऊपर, ठीक है, काफ़ी शानदार एडिटिंग सिखा रहे हैं। और इसको ब्लेंड एंड स्किन कर देंगे इसको भी, तो ऐसे इसको एडजस्टमेंट करके और डन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना गाइस कि आपका भाई ना कमाल का एडिटिंग आपको सिखा दिया, एंड आपका भाई आशा करता है कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ गए। मैं फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस इतना ही, फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।